इस्लाम से दीनी मुतालिक हर मालूमात। तरह की वीडियोस देखने के लिए दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को एक बार जरूर दबाएं ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें वो आप तक पहुंच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसाले सवाब का क्या तरीका है? सवाल करते हैं कि ईसाले सवाब जो करते हैं, मुर्दों को सवाब पहुंचाते हैं, उसका क्या तरीका है? हम कैसे सवाब पहुंचाएंगे? मैं यहां पर बिल्कुल साफ बताऊंगा, बिल्कुल आसान बताऊंगा, जिसको आप समझ पाए। मैं जो बता रहा हूं आपको, आप अगर देखना चाहें इल्मुल फिका में जिल्द नंबर 2 सफर नंबर 240 पे, फतावा रहीमिया में जिल्द नंबर 5 सफर नंबर 124 पे, फतावा शामी जिल्द नंबर 1 सफर नंबर 844 पे, फतावा दारुल देवबंद जिल्द नंबर 5 सफर नंबर 451 पे। इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें हैं जहां पर ये मसाइल मिल जाएंगे जो आपको बता रहा हूं। ईसाले सवाब का तरीका, यानी मुर्दों को सवाब पहुंचाने का तरीका, इसके लिए कोई जो आजकल तरीका इख्तियार कर रहे हैं कि खाने को सामने रखो वगैरह वगैरह, बहुत सारे रस्म और रिवाज, ये सब कोई जरूरत नहीं है और इसका कोई सबूत नहीं है। सिर्फ ईसाले सवाब का जो तरीका है, आसान तरीका, वो यही है जो आपको बता रहा हूं। ईसाले सवाब का तरीका यह है कि आप जब कोई इबादत करके फारिग हो जाएं, कोई अच्छा काम कर लें जिसमें सवाब मिलता हो, जिसमें जिस काम के करने से आपको नेकियां मिलती हो। मिसाल के तौर पे आप कुरान पढ़ के खत्म कर रहे हैं, कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, कोई सूरा पढ़ रहे हैं, या कोई अच्छा काम कर रहे हैं, रास्ते पे चल रहे थे, रास्ते पे देखते हैं कि ईंट पड़ी हुई है, पत्थर पड़ा हुआ है रास्ते के बीच में, आप उसको हटा देते हैं ताकि इससे जो है कोई ठोकर खा के उस पत्थर की वजह से कोई गिर न जाए रास्ते में, तो आप कोई अच्छा काम करते हैं, वो काम कि जिसके जिससे आपको सवाब मिलता है। गरीबों को सदका कर देते हैं, या गरीबों को कपड़ा दिला देते हैं, या खाना खिला देते हैं, कोई भी काम जिससे आपको सवाब मिलता है, वो काम कर लेने के बाद आप अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह, ये जो मैंने जो काम किया है, जो मुझे सवाब मिला है, इसका सवाब फला मुर्दे को पहुंचा दे, मेरे दादा को पहुंचा दे, मेरी दादी को पहुंचा दे, या फला मुर्दा उसको पहुंचा दे। अगर 10 को पहुंचाना चाहते हैं, इंशाल्लाह आगे तरीका बताऊंगा उसका, लेकिन आसान तरीका सिर्फ इतना ही है कि आप कोई अच्छा काम करें जिससे आपको सवाब मिले, उसके बाद आप ये नियत करें, आप ये इरादा करें या अल्लाह से दुआ करें। सिर्फ दिल में इतना ही इरादा भी कर लेते हैं कि मैंने जो ये काम किया है, इसका सवाब फला मुर्दे को पहुंच जाए, बस इतना ही इरादा करते हैं, दिल में नियत करते हैं, तब भी सवाब पहुंच गया। और अगर आप दुआ करते हैं कि या अल्लाह, दिल में इरादा करते हैं, दिल में दुआ करते हैं कि या अल्लाह, जो मैंने ये काम किया है, जो मुझे सवाब मिला है, मैंने जो 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी है, या फलां गरीब को जो सदका दिया है, इसका सवाब मेरे फलां मरहूम को पहुंचा दे। नाम भी लेना जरूरत नहीं है, अगर आपका इरादा सिर्फ इतना ही है कि फलां आदमी तक पहुंचना है, बस पहुंच गया, नाम लेने की भी कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर नाम ले लेते हैं कि फला मुर्दे को, जो उसका नाम ये है, उस तक पहुंचा दे या अल्लाह, इसका सवाब उस तक पहुंचा दे, सवाब पहुंच गया। ये आसान तरीका, लेकिन आजकल इसको कितना मुश्किल बना के रख दिए हैं कि फला फला इतना काम करो, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करोगे तो पहुंचेगा, वरना पहुंचेगा नहीं। ये सब आप लोगों को धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं है। सबसे आसान तरीका, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, किसी मौलवी को बुलाने की जरूरत नहीं, किसी हाफिज साहब को बुलाने की, मस्जिद के इमाम को बुलाने की जरूरत नहीं। आप अगर मुर्दे को बख्शना चाहते हैं, मुर्दे को सवाब पहुंचाना चाहते हैं, ईसाले सवाब करना चाहते हैं, आप करिए, दूसरे को क्यों बुलाएंगे? बुलाने की क्या जरूरत है? यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, जो आपको सवाब मिल रहा है, वो सवाब आप पहुंचाइए, आपको इख्तियार है। और तरीका यही है कि आप दिल में इरादा कर लीजिए कि या अल्लाह, इसका सवाब उसको पहुंच जाए, पहुंच जाएगा। कितना आसान तरीका। एक चीज यहां पर और बता दूं आपको, कि एक मसला और बताता हूं इसी के मुतालिक, कि ईसाले सवाब जो है, ऐसा भी कोई जरूरत नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि जैसे ही इबादत खत्म करेंगे फौरन सवाब पहुंचाएंगे, ये भी कोई जरूरी नहीं। अगर आज आप कुरान पढ़े हैं, 5 दिन के बाद कहते हैं, दिल में इरादा करते हैं, मैंने जो 5 दिन पहले कुरान पढ़ा था, या अल्लाह, इसका सवाब मुर्दे को पहुंचा दे, पहुंच गया 5 दिन के बाद भी, 10 दिन के बाद भी, यानी ये कहना चाहता हूं, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि इबादत जिस वक्त खत्म हो उसी के फौरन बाद आपको सवाब पहुंचाना है, ऐसा भी कोई जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है। आप किसी वक्त भी इबादत के बाद, कितने ही दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 1 महीना, 2 साल, 4 साल के बाद भी आप सवाब पहुंचा सकते हैं। यहां पर एक मसला और समझ लीजिए, ये बहुत जरूरी मसला है, वो ये है
सवाब जो पहुंचाना है एक साथ जितने मुर्दे को चाहेंगे आप पहुंचा सकते हैं। अगर ये कहते हैं कि या अल्लाह पूरी दुनिया में जितने मर चुके हैं, मरहूम मरहूमा हैं, मरहूमीन हैं, सबके पास इसका सवाब पहुंचा दे, सबके पास सवाब पहुंच गया, सबके पास, नाम लेने की भी जरूरत नहीं। दिल में जो इरादा है वही है आपका मकसद, अल्लाह जानता है दिल के इरादे को, अल्लाह खूब जानता है। तो बहरहाल ये अर्ज कर रहा था, अगर पहुंचाएंगे एक साथ, पहुंचाने का जो इख्तियार है एक ही मर्तबा है, 10 बार आप पहुंचा नहीं सकते, इख्तियार जो है वो एक ही बार है। वो कैसे, मैं आपको समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। एक मुर्दे के पास पहुंचाते हैं कि मिसाल के तौर पे, या अल्लाह इसका सवाब मेरे दादा के पास पहुंचा दे, फिर कहते हैं कि या अल्लाह इसका सवाब मेरी दादी के पास भी पहुंचा दे। ये जो आप कर रहे हैं इसमें पहुंचाना एक ही मर्तबा आपको इख्तियार है, एक मर्तबा जो आपने अपने दादा के पास पहुंचा दिया, अब अपनी दादी के पास नहीं पहुंचा सकते क्योंकि आपने पहुंचा दिया है एक बार। ये जो पहुंचाने का इख्तियार एक ही मर्तबा है, समझ पा रहे होंगे, लेकिन वही उसी एक ही एक बार में, एक ही मर्तबा में अगर आप हजार हजार मुर्दे को लेना चाहते हैं, या अल्लाह इसका सवाब मेरे दादा दादी, हमारे मोहल्ले के और हमारे गांव के जितने भी मरहूम मरहूमा सबके पास पहुंचा दे, सबके पास पहुंच गया। समझ पा रहे हैं कि एक मर्तबा आपको पहुंचाने का इख्तियार है, उस एक मर्तबा में जितने मुर्दे को चाहेंगे आप पहुंचा सकते हैं। यानी आप जब इसाले सवाब ज्यादा मुर्दों को करें, 10, 20, 50, 100 मुर्दों को, तो सबसे पहले सबका इरादा कर लीजिए, फिर उसके बाद सवाब पहुंचाइए। अगर आप एक बार पहुंचा देते हैं उसके बाद अब दूसरों के पास पहुंचाने का इख्तियार नहीं रहा, अगर पहुंचाएंगे तो नहीं पहुंचेगा। समझने की कोशिश करिए, बहुत बारीक मसला है ये, बहुत बारीक मसला, समझने की कोशिश करिए। न समझ पाए तो पूछें, उलमा से राब्ता करें या कमेंट्स वगैरह में पूछें, लेकिन गलत मत समझिएगा, सही समझने की कोशिश करिए। पहुंचाने का इख्तियार आपको एक बार है। अगर आप कहते हैं कि या अल्लाह इसका सवाब मेरे दादा के पास पहुंचा दे, मेरी दादी के पास पहुंचा दे, अब सिर्फ दादा के पास पहुंचेगा क्योंकि आपने एक बार पहुंचा दिया दादा के पास। अगर आप ये कहते इसका सवाब मेरे दादा मेरी दादी के पास पहुंचा दे, दोनों के पास पहुंच जाता, समझिएगा। बहुत आसान है, लेकिन समझने के लिए जो है काफी है, अगर समझना चाहेंगे समझ सकते हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला सही मसला समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। इस्लाह उम्मत के लिए यूट्यूब पर चलाया जाने वाला एक अनोखा और लाजवाब चैनल जिसका नाम दीनी मालूमात है, आप इस दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं। से फायदा ये होगा कि हम जब भी कोई नई वीडियो डालेंगे वो आप तक पहुंच जाएगी। चैनल की हर वीडियो आप अपने चैनल पे डाल सकते हैं, यानी कॉपीराइट नहीं आएगी। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहें तो ऐड लिखकर आप अपने व्हाट्सएप नंबर से दिए गए नंबर पे मैसेज करें। नीज इस दीनी मालूमात चैनल में आपको इस्लाम से मुतालिक हर तरह की वीडियोज मिलेंगी।